मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही में बनने वाले कारपेट एक्सपो मार्ट के साथ साथ 10 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 5 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कहा, इससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को मिलेगी गति। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई से होंगी शुरू, 10 जून को होंगी समाप्त। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, कोरोना काल में नहीं लड़खड़ाई शिक्षा व्यवस्था। केंद्र ने सभी राज्यों को वैक्सीन के लिए तैयार रहने के दिए निर्देश। 2 जनवरी को पूरे देश में ड्राई रन होगा और स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के साथ की है उच्च स्तरीय बैठक। और बाराबंकी में कल्याणी नदी के पुनरुद्धार के लिए जिलाधिकारी को मिला रजत पदक। कोविड 19 के दौरान प्रवासी कामगारों को मनरेगा के तहत रोजगार देने के साथ ही कल्याणी नदी को किया था पुनर्जीवित। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचार अब विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भदोही जिले में लगभग 200 करोड़ की लागत से बनने वाले कारपेट एक्सपो मार्ट के साथ साथ 10 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। लगभग 7.5 एकड़ में बनने वाले कारपेट एक्सपो मार्ट 7,000 वर्ग मीटर में 3 मंजिला बिल्डिंगों में 94 दुकानों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही 3400 वर्ग मीटर में प्रदर्शनी हॉल का भी निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को इन परियोजनाओं के माध्यम से गति मिलेगी। बहुत बड़ा कार्य यहां के हस्तशिल्पियों ने किया है अपने हुनर के माध्यम से, और वह कार्य सचमुच अभिनंदनीय कार्य है। इस अभिनंदनीय कार्य के लिए जितनी भी इसकी प्रशंसा की जाए वह कम है, और उसी के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए कि इन हस्तशिल्पियों को और उन उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर प्रकार का सहयोग करेगी। सरकार हर प्रकार का सहयोग देने के लिए, आश्वासन देने के लिए यहां पर आपके बीच आई है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार ने जिस तत्परता के साथ और जिस प्रतिबद्धता के साथ जनता जनार्दन की सेवा की, एक एक व्यक्ति की जान की कीमत को महत्व देते हुए हर एक व्यक्ति को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ना और फिर उसके माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए जो कार्यक्रम बनाए, उसी श्रृंखला में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की बात हम सबको दी, और उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर भारत में सहयोगी बन सके इस दृष्टि एक जनपद एक उत्पाद की अभिनव कार्य योजना प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से 2018 में उत्तर प्रदेश ने प्रारंभ की थी। एक जनपद एक उत्पाद में अगर हमने वाराणसी के साड़ियों को स्थान दिया तो भदोही के कालीन को भी हमने प्रदेश के अंदर एक जनपद एक उत्पाद में महत्व दिया, स्थान दिया। और भाइयों बहनों, हमारे पूर्वज बहुत अभिनंदनीय हैं, वे सभी पूर्वज जिन्होंने उत्तर प्रदेश की वर्तमान पीढ़ी के लिए आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त किया। वह था यहां पे हर एक जनपद के पास अपनी विशिष्ट पहचान है, और उस विशिष्ट पहचान ने अपने उस उत्पाद के माध्यम से जो विशिष्ट पहचान उस जनपद को दी वह हमारी अनमोल धरोहर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी जो 10 जून तक चलेंगी। 15 जुलाई को परिणामों की घोषणा की जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरोना के समय में भी देश की शैक्षणिक गतिविधियां चरमराई नहीं। उन्होंने कहा कि हमने जेईई नीट जैसी परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की। अब हम लोग इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि जो बोर्ड की परीक्षा है हमारी, वो बोर्ड की परीक्षा जो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है वो बोर्ड की परीक्षा 4 मई से प्रारंभ हो जाएगी, और 4 मई से प्रारंभ होने वाली ये बोर्ड की परीक्षा हमको भरोसा है कि हम 10 जून तक इसको पूरा कर सकेंगे, और समय पर ही हम लोग कोशिश करेंगे कि हम समय पर उसके बाद
कॉपियों का निरीक्षण कराएंगे और समय पर आपका रिजल्ट भी हम तैयार करके करना चाहेंगे और परिणामों को घोषणा 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। प्रैक्टिकल की जो परीक्षाएं हैं वो आपकी 1 मार्च से शुरू हो जाएंगी। मेरी शुभकामना, आप पूरी ताकत के साथ और बहुत आत्मबल के साथ बिना किसी तनाव के आप परीक्षा की तैयारी में जुटे। वक्त भी हमारे पास है और आपको पाठ्यक्रम भी बहुत अच्छा आ रहा है और CBSE ने वैसे भी इन प्रस्तुतियों में 30% पाठ्यक्रम को अपना कम किया और लगातार आपके साथ हम संवाद में हैं। CBSE बोर्ड के चेयरमैन लगातार इस दिशा में नजर रखे हुए हैं और पूरा तंत्र वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे भरोसा है कि जो 4 मई से होने वाली जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनके लिए आप बहुत मनोबल से तैयारी करेंगे। केंद्र ने सभी राज्यों को वैक्सीन के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। 2 जनवरी को पूरे देश में ड्राई रन होगा और स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। इससे पहले असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात में COVID-19 के टीकाकरण के लिए 2 दिन का ड्राई रन पिछले दिनों सफलता के साथ पूरा किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 34वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कई योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ ही शिकायतों की स्थिति का जायजा लिया। उसमें रेलवे, सड़क परिवहन, आवास और शहरी विकास से संबंधित मामले शामिल रहे। उन सभी की लागत तकरीबन 1,00,000 करोड़ रुपए की है, जो कि कुल 10 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है। उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और दादर नगर हवेली शामिल है। प्रधानमंत्री ने मुख्य सचिवों से लंबित परियोजनाओं को तय समय सीमा के अंदर पूरा करने के लिए कहा। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत व जल जीवन मिशन से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की। साथ ही प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना में जल्द से जल्द सभी पात्र लोगों यानी 100% लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी कहा और केंद्र शासित प्रदेशों को जल्द ही जल जीवन मिशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिशन मोड में काम करने का खाका तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा उपभोक्ता मामलों से संबंधित शिकायतों के बारे में जानकारी उन्होंने ली। उन्होंने शिकायतों के निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। 35वीं समीक्षा बैठक में 280 परियोजनाओं के साथ ही 50 योजनाओं व कार्यक्रमों की समीक्षा की गई थी। समाचारों में वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। क्या हुआ है? कान में दर्द, चलो डॉक्टर जी के पास। डॉक्टर जी ने कहा है ये है स्वेटर बुनने, आग जलाने, बाल बांधने और लिखने के लिए, कान साफ करने के लिए नहीं। तेल और दूध इसमें मत जाने देना। और अगर कान में दर्द हो या कान से पानी आए तो जाना डॉक्टर जी के पास। अगर गुड़िया की हंसी चाहिए तो ध्यान रखिए। सुन लो बात है ज्ञान की, कदर कीजिए अपने कान की। देखिए, बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। अगर किसी वजह से दूसरी जगह भी जाना पड़े तो भी इसका ये जो कार्ड है, इस कार्ड को साथ ले जाए और टीके जरूर लगवाए। 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार। टेलीग्राम भेज दोगे ना? मुझ पे छोड़ दो। अब तो हमारा परिवार पूरा है और बच्चे नहीं। मुझ पे छोड़ दो। पूरे परिवार का ख्याल तो हमें रखना है। तभी तो हमने निर्णय लिया है कि मैं नसबंदी करवाऊंगा। और मुझे पता है इससे किसी तरह की कमजोरी नहीं होती। ये नई तकनीक की पुरुष नसबंदी है, न चीरा न टांका। इसमें समय भी कम लगता है और कोई परेशानी भी नहीं होती। पति पत्नी करें विचार, स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार।
प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 971 नए मामले सामने आए हैं। मार्च से लेकर अब तक 5,63,278 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरीके से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन केसेस की संख्या 14,260 है। उन्होंने कहा कि रिकवरी का प्रतिशत 96.13 है। कोरोना के संक्रमित लोगों में से 8,364 लोगों की मृत्यु हुई है। कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 971 मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 14,260 है। जो लोग संक्रमण के पश्चात मार्च से लेकर अब तक उपचारित होकर डिस्चार्ज किए गए हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर के 5,63,278 हो गई है। और उत्तर प्रदेश के कोविड से रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 96.13% हो गया है, 96.13%। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 8,364 लोगों की मृत्यु हुई है और प्रदेश का केस फैटलिटी रेट 1.427% है, अर्थात 1.43% से थोड़ा सा कम ही है। वन पर्यावरण एवं जंतु उद्यान विभाग मंत्री दारा सिंह चौहान ने कन्नौज जिले के इंदरगढ़ इलाके में अटल वाटिका पार्क का भूमि पूजन किया। साथ ही पार्क में उन्होंने पौधरोपण भी किया। इसके बाद उन्होंने लाख बहोशी पक्षी विहार का निरीक्षण किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज उन्होंने पक्षी विहार का निरीक्षण किया और यहाँ पर्यटन की संभावनाओं को देखा है। उन्होंने बताया कि सरकार इको टूरिज्म को बढ़ावा और ब्रांडिंग के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जितने पक्षी विहार हैं उनमें सभी पक्षी विहार अच्छे से बने रहें, जिससे यहाँ पर्यटन बढ़े। जिस तरह से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट बनाया गया है, उसी तरीके से वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन को अपनाकर पक्षी विहार का विस्तार किया जा सके। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार जो इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरीके से मानसिक रूप से पहले से भी जब से सरकार बनी तब से और इसको बढ़ावा और इसके ब्रांडिंग के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उसी संदर्भ में मेरा भी था कि मैं देखें इस यहाँ का जो पक्षी विहार है किस तरीके से इसको अच्छा बनाया जा सकता है, खूबसूरत बनाया जा सकता है, इसका विकास और विस्तार किस तरीके से किया जा सकता है, इस दिशा में मैं आया था। और मुझे लगता है जाने के बाद यहाँ के क्षेत्रीय विधायक के द्वारा और सरकार के द्वारा मिल करके इस लाख बहुत सी पक्षी विहार को हम खूबसूरत बनाना चाहते हैं। जो इस उत्तर प्रदेश में जितने पक्षी विहार हैं उसमें से कम एक खूबसूरत पक्षी विहार बने। फिट इंडिया आयु उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल नामक पुस्तक के संस्कृत और नेपाली संस्करण का विमोचन विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने किया। इस पुस्तक के हिंदी और इंग्लिश संस्करण का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस पुस्तक में सेहतमंद रहने के बारे में विस्तार से बताया गया है। संस्कृत और नेपाली पुस्तक के विमोचन के बाद विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने लोगों से अपील की कि वे सेहतमंद रहने के लिए इस किताब का अनुसरण जरूर करें। भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिट इंडिया मूवमेंट चलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहले ही योग अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका है, उसे मान्यता मिल गई और योग करने वालों की संख्या बढ़ी है। इन दोनों किताबों में भी फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने की बात है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा अपने हाथ में लिया गया कोई भी काम इस देश की जनता सहर्ष स्वीकार करती है और उस आंदोलन का हिस्सा बन जाती है। और हमारी अपील भी है कि सब इस देश के जन फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा बने। कहना चाहूँगा कि संस्कृत और नेपाली भाषा में जो
आयु उपयुक्त प्रोटोकॉल की बात की गई है। स्वास्थ्य सभी के लिए जरूरी है और हर स्वास्थ्य जो आयु वर्ग है उसके अलग अलग स्वास्थ्य की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इनको देखते हुए जो टेस्ट होने चाहिए, जो प्रैक्टिस करनी चाहिए और अपने आप को स्वस्थ कैसे महसूस करें इसका एक मापदंड जो होना चाहिए उसके लिए ये प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं और जो सभी विभिन्न भाषाओं में अलग अलग हिंदी और इंग्लिश में तो प्रधानमंत्री जी द्वारा यूनिवर्सल सार्वभौमिक होने की वजह से यूज़ कर दिए गए। बाकी सभी प्रदेशों को ये कहा गया कि अपने अपने जिस भाषाओं में उनके यहाँ जितने डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से जिस तरह के लोग हैं उनकी देखते हुए वहाँ से रिलीज करें। मेक इन इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उत्तर रेलवे ने छोटी इंडस्ट्रीज और वेंडर्स के लिए लखनऊ के मंडल कार्यालय में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है जिसमें रेलवे में इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे उपकरण को आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज से शुरू हुई यह प्रदर्शनी अगले कई दिनों तक जारी रहेगी। प्रदर्शनी के आयोजक मंडल रेल प्रबंधक संजय त्रिपाठी ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के तहत छोटी इंडस्ट्रीज को इस मीट में जोड़कर उनको बढ़ावा देना है ताकि रेलवे को छोटे उपकरण आसानी से उपलब्ध हो सकें और इंडस्ट्री का भी फायदा हो सके। वहीं स्पेशल डीजी वेंडर डेवलपमेंट एके पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत छोटी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाएगा और उनको आरडीएसओ और रेलवे से सीधे जोड़ा जाएगा। हमारे इक्विपमेंट और ऑपरेटर्स लगाए गए हैं, इनके वेंडर्स बेस बहुत छोटा है, एक्चुअली ये इनके वेंडर सप्लायर्स कम हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये हमारे जितने भी वेंडर भाई और इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे इस एरिया के हैं उनको ये इक्विपमेंट देखने को मिलेंगे और अगर वो अपने संसाधनों से या आरडीएसओ के सहयोग से उन संसाधनों के द्वारा इन सब चीज़ों को बनाएंगे तो हमारा वेंडर बेस बढ़ेगा और ये एक आत्मनिर्भर भारत और मैन्युफैक्चरिंग जो रेलवे की जो इतना एक्सपेंशन हो रहा है उसके सही उसमें भी सहयोग करेगा क्योंकि ये मटेरियल जनरली बहुत कम लोग सप्लाई करते हैं और बहुत शॉर्ट सप्लाई में रहते हैं, तो ये इसका ये द्वितीय उद्देश्य इसका ये है कि इसका वेंडर बेस बढ़ाना और आरडीएसओ के सहयोग से इंडस्ट्री को इसका भी बढ़ावा देना। हम लोग अच्छे कार्यों को प्रोत्साहन देने वाले स्कॉच ग्रुप की ओर से कल्याणी नदी के पुनरुद्धार के लिए बाराबंकी के जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह को रजत पदक से नवाजा गया। रजत पदक मिलने से कल्याणी नदी के पुनरुद्धार में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों में काफी उत्साह है। बाराबंकी के फतेहपुर क्षेत्र से निकली कल्याणी नदी में सिल्ट जमा होने व अतिक्रमण से इसका वजूद मिट रहा था। इसकी जानकारी होने पर डीएम ने अपने सहयोगी अधिकारियों के साथ मिलकर कल्याणी के कल्याण की योजना बनाई। कोविड-19 के दौरान प्रवासी कामगारों को मनरेगा के तहत रोजगार देने के साथ ही कल्याणी नदी को अस्तित्व में लाकर कल्याण भी किया। कल्याणी नदी के पुनरुद्धार का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी किया था। वहीं बाराबंकी जिले के निवासियों ने जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह द्वारा लगातार किए जा रहे सराहनीय कार्यों की प्रशंसा करते हुए खुशी जाहिर की है। देखिए वाकई बहुत संतुष्टि का विषय और बहुत मेहनत किया इसमें जो हमारे श्रमिक थे, न केवल हमारे जनपद के उन ग्रामों के जहाँ पे ये कार्य हुआ था कल्याणी नदी के पुनर्जीवित करने का, बल्कि लॉकडाउन के दौरान जो प्रवासी श्रमिक आए थे उनके द्वारा भी इसमें प्रतिभाग किया गया, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, तो वाकई ये उन सब की जीत है और उन सब के श्रम को, उन सब की मेहनत को एक तरह से सराहा गया इतने प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म पर। और पूरी नदी है उसमें जहाँ जहाँ आवश्यकता हो हम उसको कार्य करें, उसको पुनर्जीवित करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचा सके। जिलाधिकारी महोदय जो है बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं और किया है। लॉकडाउन के दौरान भी जब बाहर से श्रमिक आ रहे थे उनको पूरा व्यवस्थित करना, उनके रहने के खाने की व्यवस्था सही करना और कल्याणी नदी की सफाई पे उन्होंने जो कार्य किया वो बहुत अद्वितीय है और सराहनीय है। हम सब बहुत प्रसन्न हैं कि ऐसे जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्य कराया जा रहा है। पहली बात तो हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हम लोगों ने जो छोटा सा प्रयास किया उसकी सराहना की गई है स्कॉच अवार्ड के द्वारा। और दूसरी बात, मैं यह अवार्ड का असली हकदार उन मनरेगा श्रमिकों को मानता हूँ जिसके कारण हमारी कल्याणी नदी का पुनरुद्धार हुआ और लॉकडाउन में उनके द्वारा जो अथक प्रयास किया गया उसके लिए हमको एक रिकॉग्निशन मिला।
वाराणसी में रेल इंजन कारखाने में आज महाप्रबंधक अंजलि गोयल द्वारा इस वित्तीय वर्ष के 200वें विद्युत रेल इंजन WAP-7 को राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया गया। इस अवसर पर अंजलि गोयल द्वारा डेरेका में आज सेवानिवृत्त हो रहे USHP यादव MCM कारपेंटर व के उपाध्याय MCM क्रेन ड्राइवर MCM के द्वारा इस 200वें इंजन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह पहला ऐसा मौका है जब सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को ऐसा मौका दिया गया। इस अवसर पर अंजलि गोयल ने डेरेका के कर्मचारियों व अधिकारियों को बधाई दी है और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में 255 इंजनों के निर्माण के लक्ष्य को लेकर चल रहे डेरेका ने कोविड के कारण कम कार्य दिवस में भी 200 विद्युत इंजनों का सफलतापूर्वक निर्माण किया, जो कि एक रिकॉर्ड है। आज हमारा 200वां लोको निकला है तो हमारे लिए ये मायने रखता है कि पिछले साल इसी वर्ष तक, इसी तिथि तक हमने 195 लोकोमोटिव्स का उत्पादन किया था। इस बार हमने 200 किया है जबकि वर्किंग डेज कम रहे हैं, तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत मायने रखता है। बिकॉज मैं चाह रही थी कि आज हम बरेका के जो परिवार है उसको थोड़ा सा उत्साह बढ़ाएं। नया साल आ रहा है तो एक नई उम्मीद के साथ इसका नाम रखा जाए, इसलिए इसका नाम आशा किरण रखा है, ताकि अगला साल जो हो 2021 वो इस आशा से हो कि हम लोग कोविड के ऊपर अपनी जो लड़ाई है उसमें पार हो जाएं और ये यहाँ का जो उत्पादन है वो और भी बढ़े और पूरे देश की जो उत्पादकता है वो बढ़े, इसके लिए इसका नाम आशा करें। और दूरदर्शन केंद्र लखनऊ में आज अनुपम स्वरूप ने डिप्टी डायरेक्टर जनरल का पदभार ग्रहण किया। अनुपम स्वरूप 1991 बैच के IBES अधिकारी हैं। इससे पहले उन्होंने दूरदर्शन भुवनेश्वर, रांची और बरेली में भी कार्य किया हुआ है। वर्तमान समय में दूरदर्शन महानिदेशालय दिल्ली से प्रोन्नत पाकर इन्होंने दूरदर्शन केंद्र लखनऊ में प्रभार ग्रहण किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दूरदर्शन केंद्र लखनऊ का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और इसे और आधुनिक बनाने के साथ साथ ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। लखनऊ दूरदर्शन का तो जो इतिहास रहा है बहुत ही गौरवशाली रहा है और मैं आज एज DDG ज्वाइन कर रहा हूँ महानिदेशक के तौर पर। प्रसार भारती ने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है मैं उसे ठीक से निभा सकूं, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा और जो लखनऊ दूरदर्शन का जो गौरव है उसे और आगे ले जा सकूं, यह प्रयास करूंगा। दूरदर्शन के लखनऊ में आज 4 अधिकारी और कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए, जिसमें दूरदर्शन लखनऊ के वरिष्ठ टेक्नीशियन अशोक कुमार तिवारी, BK पांडे, अक्षय वल्लाल और रामचंद्र शामिल हैं। अशोक कुमार ने दूरदर्शन के लखनऊ में 27 दिसंबर 1985 को टेक्नीशियन के पद से अपनी सेवाओं की शुरुआत की थी। 35 वर्ष की सेवाओं में देश के विभिन्न स्थानों जैसे कानपुर, श्रीनगर आदि केंद्रों पर काम किया। अक्षय वल्लाल ने पंप ऑपरेटर के रूप में 37 वर्ष अपनी सेवाएं दूरदर्शन के लखनऊ को दी। रामचंद्र ने कूपन क्लर्क के रूप में आज अवकाश प्राप्त किया। आज ही आकाशवाणी लखनऊ से प्रसिद्ध गजल गायक एवं संगीतकार युगांतर सिंदूर का लगभग 31 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। आकाशवाणी महानिदेशालय द्वारा इन्हें वर्ष 2003 में गजल गायकी के लिए अपनी सर्वोच्च श्रेणी टॉप ग्रेड आर्टिस्ट के सम्मान से भी नवाजा गया। समाचारों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना देश में चल रहे कोरोना काल के समय किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। किसानों के खाते में किस्त पहुंचने से किसान काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि किसान सम्मान निधि की धनराशि पहुंचने से किसान काफी राहत महसूस कर रहे हैं और उस धनराशि का अपने आवश्यकता के अनुसार प्रयोग भी कर रहे हैं। जिले के किसानों ने बताया कि हमारे खाते में किसान सम्मान निधि की धनराशि पहुंच चुकी है और इस कोरोना काल की अवधि में यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रही है। जो मोदी जी ने 2,000 रुपए किसानों के लिए दिया था वो है जो खाते में आ रहा है। मोदी जी के लिए धन्यवाद। मोदी जी ने महामारी के उसमें जो किसान को उसमें पैसे जो भेजे वो मेरे लिए बहुत पर्याप्त है, इसीलिए मोदी जी का मैं धन्यवाद कहना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में
जनपद के 1,75,350 किसानों के खातों में पैसा भेजा गया हुआ है। ये योजना किसानों के बहुत हितकारी रही है। कोरोना के काल में जहाँ किसान को बहुत अच्छा एक अवसर मिला है कृषि निवेश को उपयोग करने के लिए, किसान का बेहतरीन उपयोग भी कर रहे हैं। इटावा में इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष व जिलाधिकारी श्रुति सिंह, सीएमओ एवं उपाध्यक्ष रेडक्रॉस सोसाइटी डॉक्टर एनएस तोमर ने रेडक्रॉस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष रेडक्रॉस महामहिम राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल की पहल पर रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के क्षय रोग से पीड़ित बच्चों को गोद देकर उन्हें पौष्टिक आहार एवं गर्म कपड़ों का वितरण किया। चेयरमैन डॉक्टर के सक्सेना ने कहा कि टीबी रोग से पीड़ित बच्चों को गोद देना उपकार नहीं है। अगर संपन्न लोग अपनी जरूरत के अतिरिक्त कुछ अंश इन बच्चों के पौष्टिक आहार पर खर्च करेंगे तो ये जल्द स्वस्थ होंगे। रेडक्रॉस के सचिव आकाशदीप जैन ने बताया कि गोद लिए बच्चों को बीमारी ठीक होने तक रेडक्रॉस उनकी देखभाल करेगी, साथ ही उन्हें प्रत्येक माह पौष्टिक आहार प्रदान करेगी। इसमें जो हमारे टीबी के बच्चे हैं उनको भी ये वितरण हुआ है, चना मुर्गा और इसके साथ जैकेट्स वितरण हुआ है। और रेड क्रॉस जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के सहयोग से समय समय पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम आयोजित करते हैं, और इस सर्दी के मौसम में इस कार्यक्रम से जो बच्चे हैं उनको भी, और आगे अगला प्लान भी हो रहा है रेड क्रॉस के द्वारा आए के कैंप्स लगाने के लिए, उसकी तैयारियां भी चल रही है। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही में बनने वाले कारपेट एक्सपो मार्ट के साथ साथ 10 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 5 परियोजनाओं का किया शिलान्यास, कहा इससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को मिलेगी गति। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई से होंगी शुरू, 10 जून को होंगी समाप्त। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कोरोना काल में नहीं लड़खड़ाई शिक्षा व्यवस्था। केंद्र ने सभी राज्यों को वैक्सीन के लिए तैयार रहने के दिए निर्देश, 2 जनवरी को पूरे प्रदेश में ड्राई रन होगा और स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के साथ की है उच्च स्तरीय बैठक। बाराबंकी में कल्याणी नदी के पुनरुद्धार के लिए जिलाधिकारी को मिला रजत पदक, कोविड-19 के दौरान प्रवासी कामगारों को मनरेगा के तहत रोजगार देने के साथ ही कल्याणी नदी को किया था पुनर्जीवित। और बस कुछ ही घंटों के बाद हम वर्ष 2021 में प्रवेश करने वाले हैं। आगामी वर्ष के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।